वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड फर्स्ट के टॉपिक स्क्रीनिंग ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के बारे में बात किया था और साथ ही साथ हमने एक्यूट रीनल हाइपरटेंशन को डिटेल में स्टडी कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट मॉडल जो है क्रोनिक रीनल हाइपरटेंशन उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस मॉडल को समझने से पहले हम एक बार फिर से जो हमारा ये मॉडल जिस सिस्टम पे बेस्ड है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अक्यूट रीनल हाइपरटेंशन भी हमारा RAS सिस्टम पे बेस्ड था और क्रोनिक रीनल हाइपरटेंशन भी हमारा RAS सिस्टम पे ही बेस्ड है। अब इसके लिए हमें RAS सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो RAS सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी में एंजियोटेंसिनोजन नाम का एंजाइम लीवर से रिलीज होता है और ये एंजियोटेंसिनोजन जो हमारा एंजाइम है वो लीवर से रिलीज होने के बाद ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है। ब्लड में किडनी से रिलीज रेनिन निकलता है और ये रेनिन आपके इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट फर्दर इस एंजाइम यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है और ये एंजियोटेंसिन सेकंड अपने दो एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। पहला है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि ये जो आपकी कैपिलरीज होंगी उनको, जो आपकी ब्लड वेसल्स होंगी उनको क्या करेगा, उनको ये नैरो कर देगा। जब ये इसको नैरो कर देगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। इसके साथ ही साथ ये करता है सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन। सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन कैसे हो रहा है? ये एल्डोस्टेरोन नाम के हार्मोन को भी रिलीज करता है और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन हमारा ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है और साथ ही साथ सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करता है। जब सोडियम बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और रीअब्सॉर्प्शन की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमारा ये दोनों मॉडल बेस्ड था। एक्यूट हम पढ़ चुके हैं, अब हम क्रोनिक देख लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। एक्यूट रीनल हाइपरटेंशन था उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम वन क्लिप मेथड का यूज कर रहे थे, टू किडनी वन क्लिप मेथड का यूज कर रहे थे, यानी कि इसमें दो किडनी में से एक किडनी को क्लिपिंग करनी थी और वो अक्यूट तरीके का हाइपरटेंशन डेवलप कर रहा था। लेकिन जो आज का हमारा मॉडल है उसे हम अदर नाम से अगर बोलेंगे तो हम ये बोलते हैं वन किडनी वन क्लिप मेथड। वन किडनी वन क्लिप मेथड किस तरीके का हाइपरटेंशन डेवलप करेगा? ये डेवलप करेगा क्रोनिक रीनल हाइपरटेंशन। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो ब्रीफ कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ लीजिए कि इसमें क्या करेंगे, आपकी दो किडनी होती हैं, एनिमल के अंदर दो किडनी प्रेजेंट है, उस दोनों किडनी में से हमें एक किडनी जो यहाँ की जो किडनी होगी उस किडनी को हमें बाय द सर्जिकल प्रोसेस रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आप जब एनिमल की बॉडी में आप एक किडनी बची है उस किडनी को हमें क्लिपिंग कर देना है। क्लिपिंग करने का मतलब क्या होगा कि हम उस किडनी को बांध देंगे, उस किडनी में जो हम इस्केमिया की कंडीशन डेवलप करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो दोनों मॉडल हैं ये दोनों मॉडल में हम किडनी के अंदर इस्केमिया डेवलप कर रहे हैं। इस्केमिया क्या होता है, जिसमें ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस कंडीशन को हम इस्केमिया बोलते हैं। जब हमने क्लिपिंग कर दिया एनिमल की बॉडी में, जब अब एक ही किडनी है तो जब हमने उसकी क्लिपिंग कर दी तो क्लिपिंग के बाद क्या होगा, यहाँ से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा और सारा का सारा ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। क्लिपिंग की वजह से सिस्टेमिक एक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा है और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो सिस्टेमिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो उसकी वजह से अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर रेनिन का रिलीज होगा। तो यहाँ पर रेनिन रिलीज होगा और रेनिन रिलीज तो हो रहा है, मतलब निकल तो रहा है लेकिन वो फ्लो नहीं हो पा रहा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो वो फ्लो नहीं हो पा रहा है तो रेनिन यहीं पे प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि किडनी के अंदर ही रेनिन एक्यूमुलेट होने लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, रेनिन बढ़ रहा है, RAS बढ़ रहा है, 81 सेकंड बढ़ेगा और एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा। जब ये रेनिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन जाएगा उसकी बात हो रही है कि जब रेनिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया यानी कि जब हम इस किडनी की क्लिपिंग को हटाएंगे तो उस समय रेनिन का फ्लो ब्लड में बढ़ेगा, उसकी वजह से आपका 82 बढ़ेगा और एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा और वो अपना रिस्पेक्टेड रिस्पॉन्स यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाना ये काम करेंगे। ये तो वो कंडीशन हो गई जब हमें रेनिन को ब्लड में हम रिलीज कर रहे होंगे यानी कि क्लिपिंग को हटा रहे होंगे। अब देखिए, फर्स्ट मॉडल से इस मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है कि जब हम रिड्यूस करते हैं रीनल ब्लड के फ्लो को यानी कि हम इस्केमिया की कंडीशन डेवलप करते हैं, जब रीनल का ब्लड का फ्लो डिक्रीज होगा मतलब कि इस्केमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है और वो स्ट्रेस कंडीशन डेवलप हो रही है। उसमें क्या है, अपना मॉडल था उसमें हमने एक किडनी को बांटा था लेकिन एक किडनी अपना प्रॉपर काम कर रही थी,
अपना प्रॉपर काम कर रही थी। आपने सुना भी होगा कि जब हम एक किडनी बॉडी में खराब हो जाती है तो जो पहली किडनी होती है वो अपना पूरा काम करने लगती है, बल्कि दूसरी किडनी के बराबर वो काम करने लगती है। हमने ये चीज पहले से ही जानते हैं, ये चीज। तो यहाँ पे क्या है, वहां पर एक किडनी उस समय थी जो प्रॉपर काम कर रही थी, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में अब एक ही किडनी है और वो भी अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। तो क्या है, रिड्यूस रीनल परफ्यूजन, यानी कि ब्लड का फ्लो जब डिक्रीज हुआ तो उस समय क्या हुआ, इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन। इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन यानी किडनी अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। जब किडनी अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब क्या है, सोडियम एंड वाटर का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ रहा है, सोडियम क्या होता है, सोडियम ब्लड से छनने के बाद यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, तो वो नहीं निकल पा रहा। क्यों नहीं निकल पा रहा, क्योंकि किडनी तो अपना प्रॉपर फंक्शन कर ही नहीं रही है। तो वो सोडियम अब कहाँ है, वो सोडियम अब ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि भाई जब किडनी काम ही नहीं कर रही है तो पानी छनेगा कहाँ से, वाटर का छनना हो ही नहीं पा रहा है, तो वो भी अल्टीमेटली ब्लड में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये दोनों चीजें क्या काम करेंगी, ये दोनों चीजें बढ़ाएंगी ब्लड के वॉल्यूम को, क्या बढ़ाएंगी, ब्लड का एक्सपेंशन करेंगी, वॉल्यूम का एक्सपेंशन करेंगी, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब दोनों चीजें ब्लड में है वॉल्यूम तो बढ़ना ही है। अब देखो ब्लड का वॉल्यूम तो बढ़ गया, अब क्या होगा, इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, कंडीशन डेवलप हो रही है। तो इसका मतलब जो भी आपकी बॉडी में ये जो आपके आर्टरीज हैं इसके अंदर अब सोडियम भी है, ब्लड भी है, अब आर्टरीज के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भले ही रेनिन एक्युमुलेटेड है उस कंडीशन में जो नहीं निकल पा रहा है, लेकिन क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी है कि किडनी अपना काम नहीं कर पा रही है, तो इस वजह से सब कुछ सोडियम एंड वाटर ब्लड में ही प्रेजेंट है। और जब ये चीजें ब्लड में प्रेजेंट हैं तो वो ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाएंगे और आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर है, ये कंडीशन डेवलप होगी। उसके बाद क्या होगा, जब आर्टेरियल प्रेशर बढ़ता है तो ये जो रास का सिस्टम है इसका मेन काम होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। जब बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हुआ तो रास सिस्टम की हेल्प से ब्लड को प्रेशर को बढ़ा दिया, और जब ब्लड प्रेशर का बढ़ना हो जाता है तो यही रास सिस्टम निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की हेल्प से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है इन नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहां पर आर्टेरियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, इटसेल्फ प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो अब जो रास सिस्टम का काम था ब्लड प्रेशर को बढ़ाना इन लो सिचुएशन में, इन लो कंडीशन में, अब वो नहीं होगा। अब क्या होगा, ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आर्टेरियल प्रेशर जो बढ़ा है, ये इसको निगेटिवली अफेक्ट डालेगा, यानी कि अब रेनिन ब्लड प्रेशर को बढ़ा नहीं पाएगा, 81 रिसेप्टर, 81 ब्लड प्रेशर को बढ़ा नहीं पाएगा और एल्डोस्टेरोन ब्लड प्रेशर को बढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि इटसेल्फ ये चीजें क्या काम कर रही हैं, ये ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही हैं। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, जब आप प्रोसीजर देखेंगे तो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए क्या है, प्रोसीजर सेम टू सेम आपका फर्स्ट मॉडल यानी कि अक्यूट रीनल हाइपरटेंशन से मैच करेगा। क्या है, इश्केमिया ऑफ द किडनी कॉजेस इवोल्यूशन ऑफ ब्लड प्रेशर एक्टिवेशन बाय द एक्टिवेशन ऑफ रास सिस्टम। हमें पता है कि जब हम इश्केमिया की कंडीशन आने की, यानी कि जब किडनी में परफ्यूजन नहीं होगा, ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं होगा, तो उस समय ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और वो क्यों बढ़ता है, वो रास सिस्टम की वजह से बढ़ता है, जैसा कि पहले मॉडल में हमने देखा हुआ है। उसके बाद क्या है, ये जो आपका मॉडल है वन क्लिप मेथड, यानी कि वन किडनी वन क्लिप मेथड, ये मोस्ट इफेक्टिव मॉडल होता है इस हाइपरटेंशन की एक्टिविटी के लिए, इसके मॉडल की स्क्रीनिंग के लिए, एजेंट की एक्टिविटी के लिए सबसे बेस्ट मॉडल है। अब क्या होगा, प्रोसीजर देख लेते हैं। मेल स्प्रेग डॉली रैट वेइंग 200 to 250 ग्राम
लेंगे हम, उसको अनिस्थीशिया देंगे और उसके बाद अनिस्थीशिया कौन सा देंगे, 50 mg/kg आईपी फिनोबार्बिटल को हम देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, फर ऑन बैक इज शेव्ड एंड स्किन डिसइंफेक्टेड। हम उसको एनेस्थीशिया देने के बाद एनिमल के बैक का जो पोर्शन है वहाँ के फर को हटाएंगे, यानी उसके जो हेयर्स होंगे उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद उस एरिया को डिसइंफेक्ट करेंगे और डिसइंफेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, इन द लेफ्ट लंबर एरिया, जो लेफ्ट का लंबर एरिया होगा वहां पे हम फ्लैंक इंसिजन लगाएंगे और उसके बाद हम एक पैरेलल लॉन्ग एक्सिस में, मतलब यह है कि हमें उसके बैक के एरिया में जो लंबर का एरिया है वहां पे इंसिजन करना है, यानी कि वहां पे चीरा लगा देना है। चीरा लगाने के बाद क्या करना है, रीनल पेडिकल्स इज एक्सपोज्ड, जो रीनल की पेडिकल्स है उसको एक्सपोज्ड करेंगे विथ किडनी रिट्रैक्टेड टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन की तरफ किडनी को रिट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद रीनल आर्टरी इज डिसेक्टेड क्लीन एंड यू शेप सिल्वर क्लिप इज स्लिप्ड अराउंड नियर द अरोटा। क्या करेंगे, इंसिजन के बाद हम क्या करेंगे, जो किडनी है उसको रिट्रैक्ट करेंगे एब्डोमेन की तरफ, उसके बाद हम रीनल आर्टरी से डिसेक्ट करके रीनल आर्टरी जो होगी उसको डाइसेक्ट करेंगे, यानी कि उसको रिमूव करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे और यू शेप की एक क्लिप लगा देंगे अराउंड द अरोटा। अरोटा के पास हमें यू शेप्ड की क्लिप लगा देनी है। उसके बाद क्या है, यूजिंग अ स्पेशल फोर्सेप्स, स्पेशल फोर्सेप्स को हम यूज करेंगे। द साइज ऑफ द क्लिप इज एडजस्टेड सो दैट द इंटरनल गैप रेंज फ्रॉम द 0.25 to 0.38, मतलब कि स्पेशल फोर्सेप्स से हम इंटरनल जो अपने गैपिंग करनी है वो हमें इतने ही रेंज में रखना है, इसलिए हम एक प्रॉपर एक स्पेशल फोर्सेप्स को यहाँ पर यूज कर रहे हैं और उसके अपनी क्लिप को एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि हमें एनिमल के बाकी ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करना है। हम इस तरीके से एडजस्ट कर दें कि प्रॉपर जिस तरीके का इंटरनल स्ट्रक्चर था वैसे ही वो मेंटेन रहे, ठीक। उसके बाद क्या होगा, द राइट किडनी इज रिमूव्ड, राइट किडनी हमें रिमूव कर देनी है। अब देखिए वहां पर हम लेफ्ट किडनी को क्या कर रहे थे, लेफ्ट किडनी को टाई कर रहे थे, यहाँ पर हम राइट किडनी को रिमूव करेंगे और यहाँ पर भी हम लेफ्ट किडनी को ही टाई करेंगे। राइट किडनी इज रिमूव्ड थ्रू द फ्लैंक इंसिजन आफ्टर टाइंग ऑफ द रीनल पेडिकल, उसके बाद हम अपनी राइट किडनी को रिमूव कर लेंगे। स्किन इंसिजन आर क्लोज्ड बाय द वुंड क्लिप्स, जो भी आपके टाके होते हैं ना उससे वुंड क्लिप से हम अपने स्किन को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। आपने किडनी तो रिमूव कर दी है, स्किन को क्या करेंगे, क्लोज करना है। 4 to 5 weeks after the clipping, blood pressure is measured. मतलब कि देखिए वहां पर जब हमने किडनी को रिमूव करना है तो साथ ही साथ हमें लेफ्ट किडनी को टाई भी करना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मॉडल का नाम क्या है, वन किडनी वन क्लिप मेथड। तो एक किडनी को हटाने के बाद जो दूसरी किडनी बची है लेफ्ट वाली, उसी को हम क्लिपिंग करेंगे, उसको हम बांधेंगे, उसको हम टाई करेंगे। जब आपने इसको टाई कर दिया तो उसके बाद क्या है, 4 to 5 weeks after the clamping, blood pressure is measured. 4 to 5 weeks के बाद हम जब किडनी को हमने बांध रखा है तो उसके बाद हम एनिमल का ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे विथ वॉल्व हायर देन 150 mg/hg एंड सेलेक्टेड फॉर द एक्सपेरिमेंट। जिन एनिमल का ब्लड प्रेशर 150 यानी कि 150 mg/hg या उससे बढ़ा हुआ होगा उन्हीं एनिमल्स को हम अपने स्टडी में इंक्लूड करेंगे। अच्छा देखिए, अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि जैसे जो भी पर्सन होते हैं जिनकी किडनी डैमेज हो जाती है तो उनके बॉडी में भी इसी तरीके से ब्लड प्रेशर हमेशा इवैल्यूएटेड रहता है, हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि यही सेम कंडीशन एनिमल की जो हम देख रहे हैं वही एनिमल की कंडीशन हमारे उन पर्सन पर भी अप्लाई होती है। तो उनका ये चीज़ क्या है, बीपी उनका बढ़ जाता है। तो वही चीज़ है कि अगर कंडीशन के बाद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो हमें उनको सेलेक्ट करना है। अब सिलेक्शन किस तरीके का होगा कि 150 या उससे ऊपर वाली वैल्यू ही हमें चाहिए, क्योंकि हमें अपने ड्रग का इफेक्ट देखना है ना, तो इसलिए इस वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लड प्रेशर रीडिंग आर टेकन ऑन ईच 3 days प्रायर टू द ड्रग ट्रीटमेंट। ब्लड प्रेशर की रीडिंग हमें देखनी है, लेनी है ईच 3 days प्रायर ड्रग के ट्रीटमेंट के पहले हमें अपने एनिमल का ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है, ठीक है। जब जी हमने एनिमल सेलेक्ट किया है उनको में हमने ये तो क्राइटेरिया तो बता दिया, लेकिन 3 days तक हमें उसका ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है। हमें पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर कितना इस एनिमल का जा रहा है। फिर ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ओरली इन वॉल्यूम 10 mg/kg, फिर हम अपने ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कर देंगे 10 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से। उसके बाद रैट आर डिवाइडेड इनटू 4 animal group पर डोज। जो भी हमारे मॉडल्स हैं उसमें हमारे जो एनिमल्स होंगे उनको हमें ग्रुपिंग करनी है, लेकिन ये ग्रुपिंग किस तरीके की होगी, ये ग्रुपिंग होगी ऑन द बिहाफ ऑफ
हम डोज किस तरीके की दे रहे हैं, किसी में हम कम देंगे, किसी में हम उससे ज्यादा देंगे, किसी में हम उससे ज्यादा देंगे, तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग कर लेंगे. हाँ, एंड ईच एनिमल इज यूज्ड एंड हिज ऑन कंट्रोल. उसके बाद जैसे जैसे हम ग्रुपिंग करेंगे ना, कि हमने मान लीजिए 10 ml की कोई एक ग्रुपिंग करी है, तो उसके लिए अपना एक अलग कंट्रोल होगा. फिर हमने 20 के लिए अलग ग्रुपिंग करी, तो उसका अपना अलग कंट्रोल होगा. इस तरीके से हमें कंट्रोल हर ग्रुप का रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन तो हमें कंट्रोल से ही करना पड़ता है ना. तो इसलिए हर ग्रुप का कंट्रोल और उसकी डोज, फिर उसका कंट्रोल, फिर उसकी डोज, रिस्पेक्टेड डोज अपनी हमें डिसाइड कर लेनी है. कंपाउंड और एडमिनिस्टर फॉर 3 days. जो भी हमारा टेस्ट ड्रग है उसको हमें 3 दिनों तक एडमिनिस्टर्ड करना है. एंड प्री ड्रग एंड 2 hours पोस्ट ड्रग ब्लड प्रेशर रीडिंग आर टेकन. 3 दिनों तक हमें अपने ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करना है, और प्री ड्रग यानी कि ड्रग देने से पहले एंड 2 hours पोस्ट ड्रग, और ड्रग देने के 2 घंटे बाद किस तरीके का ब्लड प्रेशर होता है इससे हमें देख लेना है, कि एनिमल को ड्रग देने से पहले ब्लड प्रेशर कितना था, ड्रग देने के बाद ब्लड प्रेशर कितना हो गया, इसे हम चेक कर लेंगे. और चेक करने के बाद क्या है, इवैल्यूएशन. जब ये अपना कंडीशन सारी सब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इवैल्यूएट करेंगे. अब इवैल्यूएशन किस तरीके का होगा, चेंजेस इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आर एक्सप्रेस्ड इन MMHG. जो भी आपके चेंजेस होंगे उसको हम MMHG में एक्सप्रेस करेंगे. एक्टिविटीज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द टेस्ट ट्रीटमेंट ब्लड प्रेशर वैल्यू विद द कंट्रोल ब्लड प्रेशर वैल्यू. जो भी अपना ड्रग का इफेक्ट आ रहा है वो हम कंट्रोल से कंपेयर करेंगे. और कंपेरिजन किस तरीके का होगा, कि जो भी आपका day 1 का है प्री ड्रग ब्लड प्रेशर, मतलब जो पहले दिन हमने जो ब्लड प्रेशर दिया day 1 का प्री ड्रग, ड्रग देने से पहले का ब्लड प्रेशर, वो हम अपने एनिमल के कंट्रोल के लिए यूज करेंगे. मतलब कि ना कितना ब्लड प्रेशर आया है, ठीक है. कंपैरिजन आर मेड यूजिंग द पेयर टेस्ट. तो देखिए कोई भी जो भी हमारा आता है ना, जो भी हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हमें अपने स्टैटिकल एनालिसिस करनी होती है, और स्टैटिकल एनालिसिस के लिए हमें अनोवा, टी टेस्ट, ये सारे टेस्ट लगाने पड़ते हैं. तो इस तरीके से हम अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे. इस तरीके से हम क्रोनिक रीनल हाइपरटेंशन के मॉडल को परफॉर्म करते हैं. तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ. अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इस पे वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.